सरकार जो भी कह रही है वो तो झूठ है। सरकार कह रहे हैं कि लोगों ने हमला किया पुलिस को, इसीलिए सेल्फ डिफेंस में गोली चलानी पड़ी, या कह रहे हैं कि इतने बड़े पैमाने पर लोग बाहर से आकर के ज़मीन कब्जा कर लिए हैं, ये बातें झूठी है। वहाँ बात ये हो रही है कि जो NRC NPR शुरू हुआ और फिर एक नागरिकता संशोधन कानून आया, उस समय हम सब लोगों की याद है दो बातें हमारे गृह मंत्री ने कही थी। एक उन्होंने कहा था कि ये क्रोनोलॉजी समझिए कि ऐसे ऐसे एक कानून उसके बाद दूसरा कानून आएगा, तो क्रोनोलॉजी तो पुरानी बात हो गई। तो दरअसल वो जो इशारा कर रहे थे कि भविष्य किधर जाएगा, वो भविष्य आज दिख रहा है। अगर असम में NRC जो भी हुआ, NRC को लेकर भी बहस है, 20 लाख लोग NRC से बाहर हुए थे। मुझे नहीं मालूम कि जिन लोगों की हत्या कर दी गई वो NRC के अंदर थे या नहीं थे। वो जो नौजवान है उसको जेब में पहली बार आधार कार्ड मिला था, आधार कार्ड लेकर के उसकी हत्या हुई। तो अगर उनका नाम अंदर रहा हो चाहे बाहर रहा हो, एक उदाहरण दिया गया कि भाई ऐसे हम लोगों को बाहर करेंगे। दूसरा एक शब्द इस्तेमाल किया था अमित शाह ने कि ये बाहर से आने वाले लोग दीमक की तरह देश को चाट रहे हैं। तो दीमक का तो सफाया किया जाता है। तो दरअसल जब लोगों के बारे में ये सरकार कहेगी कि फलां दीमक है, तो इसका मतलब लोगों को उकसाया जा रहा है कि इसी तरीके से हत्या कर दो। और असम की घटना ने ये दिखाया कि ये सत्ता प्रायोजित है। नहीं तो हो नहीं सकता कि एक किसी को इस तरह से गोली मार करके हत्या कर दी जाए, उस लाश के ऊपर कोई फोटोग्राफर आ करके उछल कूद करे, उसका पूरा जश्न मनाए और सरकार उसका सफाई दे, सरकार उसको सही ठहराए, तो सत्ता प्रायोजित। इसीलिए लगता है कि असम के बाद सवाल ये उठा है कि इस पर रोक लगनी चाहिए। हमने मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगा है। ये जो ज़मीन से लोगों को विस्थापित करके, शायद ये ज़मीन, कल पता चलेगा कि ये ज़मीन पर कॉरपोरेट का कब्जा हो रहा है, तो शायद कॉरपोरेट के हवाले करने के लिए लोगों को विस्थापित करना है, और विस्थापित करने के लिए ये हिंसा बर्बरता का सहारा लिया जा रहा है। इस पर रोक लगनी चाहिए। असम के अंदर जो मुझे रिपोर्ट मिल रही है कि अब लोग ये कहने लगे हैं कि ठीक है BJP दोबारा सत्ता में आई, लोगों के बहुत सारे सवाल है, लेकिन कोई ये नहीं चाहता कि असम के अंदर इस तरीके से हत्या हो, इस तरीके से हिंसा चले। तो ये पूरे देश के लिए एक रोक लगनी चाहिए, पूरे देश का उदाहरण। एक सवाल है, इस्लामोफोबिया एक वर्ड का यूज़ किया जाता है, कल जो हुआ जिसको मारा गया वो मुसलमान था, क्या लगता है आपको मुसलमानों के खिलाफ पर्टिकुलरली? दो बात है, इस्लामोफोबिया भी है, असम के अंदर एक और फोबिया काम करता है। वहाँ एक इमिग्रेंट्स का डर कि बाहर से आने वाले लोग आकर कब्जा कर रहे हैं, तो वहाँ जब बाहर से आने वाले बात कहे जाता है, वो भी दरअसल आम तौर पे वो मुस्लिम को ही इशारा करके कहा जाता है। तो असम के अंदर मैं ये मानता हूँ जो असम के अंदर जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो डबल एक तरीके से इस समय निशाने पर है। एक तो इस्लामोफोबिया की वजह से है, दूसरा ये जो एंटी इमिग्रेंट एक पूरा लोगों के अंदर एक नफरत उभार दिया गया उसके भी निशाने पर है। लेकिन ये अब लगता है टर्निंग पॉइंट है और ज़रूर लोगों को साथ खड़ा आना होगा कि सब लोगों को मिल कर के, लोगों के अलग अलग सवाल हैं, अलग अलग ढंग से लोग परेशान हैं, लेकिन कोई भी जो भी परेशानी हो, जो भी जिस कारण से भी हम वंचित हो, ये तय कर लेना होगा कि किसी भी सरकार को या सत्ता प्रायोजित किसी गुंडा गिरोह को ये इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए कि किसी को कह दे कि भाई ये गैर कानूनी है। इसलिए एक सवाल जो आसाम से उठा है कि नो वन इज़ इल्लीगल, ये कहना पड़ेगा। इस देश के अंदर कानून अपनी जगह पर हो सकता है, आप किसी से डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं, डॉक्यूमेंट हो सकता है नहीं हो सकता है, लेकिन किसी भी अनडॉक्यूमेंटेड सिटीजन को भी गैर कानूनी कहने का कोई सरकार के पास अधिकार नहीं होना चाहिए।